हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास एट्थ का मैथ्स का जो हमारा चैप्टर नंबर वन है रैशनल नंबर्स, जो आपकी एनसीईआरटी की ये बुक है उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस रैशनल नंबर में जान ली है। सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब हमने कर लिया है ना। साथ के साथ हमने इसका जो अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये एग्जाम्पल वन भी कर चुके हैं और एग्जाम्पल टू भी कर चुके हैं, और हम यहाँ पर रोल ऑफ ज़ीरो एंड रोल ऑफ वन भी कर चुके हैं। ये सब हम अपनी लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं, वीडियोज़ चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं अच्छे से। कहीं भी दिक्कत लगे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी, देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल ले लूँ, मैंने माने यहाँ पर ना मैंने तीन रैशनल नंबर ले लिए, एक माइनस थ्री बाय फोर लिया, एक मैंने यहाँ पर टू बाय थ्री लिया और एक मैंने यहाँ पर माइनस का फाइव बाय सिक्स लिया। ये तीन रैशनल नंबर्स मैंने यहाँ पर लिए। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती कैसे है, कह रहे ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो देखो पहले मैं वो प्रॉपर्टी लगा देती हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगी कि इसको कैसे लगाना है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ओवर एडिशन का मतलब बीच में एडिशन है। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे, या तो आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो भी आंसर आया उसको 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 3 बाय 4 से, ठीक है। या फिर आप क्या करो, माइनस के 3 बाय 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस के 3 बाय 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। नॉर्मली यही होता है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होता है, जितनी भी टर्म्स होती हैं ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यही कहती है। तो देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3 बाय 4, यहाँ पर अगर मैं बेस को सेम करूँगी एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 टू जा 2 टू जा 4, प्लस माइनस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस का 3 बाय 4 और माइनस का ही 1 बाय 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आप इसको कट कर सकते हो, 3 से इसको कट कर दिया 2 आ गया, माइनस से माइनस कट हो गया आपका, तो यहाँ पर 1 बाय 8 आया। ये एक तरीका हो गया। अब अगर इसी को ही हम ऐसे सॉल्व करें, माइनस 3 बाय 4 मल्टीप्लाई में 2 बाय 3 प्लस माइनस का 3 बाय 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 बाय 6, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये माइनस का 1 बाय 2 आ गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, यहाँ पर इससे कट गया 2 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 ऊपर है, 4 टू जो 8 नीचे आ जाएगा। बेस को सेम करेंगे तो 8 आएगा, 2 को इससे डिवाइड किया 4, तो माइनस का 4 प्लस का 5, सॉल्व करके आंसर तब भी आपका 1 बाय 8 ही आ रहा है। तो ये होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ऐसी एक ओवर सब्ट्रैक्शन भी होती है, वो आपके पास इस बार नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ बुक में दिखा दूँ एक बारी, तो ये प्रॉपर्टी हमने अभी समझ ली है, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है इसलिए मैंने वही एग्जाम्पल लिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों क्वेश्चन को कह रहा है कि आपको इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम ये ट्राइदिस के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ट्राइदिस, इसका अगर मैं अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखूँ तो ये 7/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/12 प्लस यहाँ पर है 7/5 मल्टीप्लाई 5/12, ठीक है। आप देख रहे हो इन दोनों में ही आपके पास 7/5 सेम है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो। तो अब आपके पास माइनस का 3/12 यहाँ पर बचा और यहाँ पर प्लस का क्या बचा, 5/12 बचा, ठीक है। ये 7/5 अभी भी मैंने ऐसे लिखा, बेस ऑलरेडी सेम थे तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 2/12। अब इसको इससे कट कर दिया 6 पे, तो 7/5 6 30, यही आपका आंसर। ये हमने किससे सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, कॉमन लेके, ठीक है। एक और पार्ट है इसका, वो वाला पार्ट भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहले मैं सेकेंड पार्ट को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ, 9/16 मल्टीप्लाई में 4/12 एक ब्रैकेट में प्लस 9/16 मल्टीप्लाई माइनस का 3/9 एक ब्रैकेट में। देख के पता चल रहा है 9/16 को कॉमन ले सकती हूँ मैं, है ना, तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 4/12 प्लस, देखो ये माइनस है
तो माइनस 3/9, इसको इससे काटा तो 1/3 आया, इसको इससे काटा तो 1/3 आया। फाइनली बचा क्या, 9/16, 1/3 माइनस 1/3, दोनों 1/3 बचे, ये तो जीरो हो गया, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे ट्राई दिस के आपके पास, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना था, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखो अगर आप ध्यान से, तो आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, तो इस एग्जांपल को मैं यहाँ कॉपी कर दूँ, तो 2/5 मल्टीप्लाई है 3/7, माइनस का है 1/14, माइनस का है 3/7 मल्टीप्लाई है 3/5। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि आपके पास एक टर्म ये पूरी है, एक ये सिंगल टर्म है और एक टर्म ये पूरी है, क्योंकि इनके साथ में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। मैंने इन्हें क्या किया, रीअरेंज कर लिया, टर्म्स को आगे पीछे कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है इन दोनों टर्म्स में 3/7 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो इसको पीछे कर दिया। कैसे किया वो देखो यहाँ, तो 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7, माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई 3/5, ये पूरी टर्म उठा के यहाँ लिख दी है मैंने, और ये माइनस का 1/14 ऐसी है। साइन को साथ ही लेके जाना जब टर्म लेके जाओगे, तो ये हो गई मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें मैंने रीअरेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर से आप कॉमन ले सकते हो इजीली, तो इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या किया, 3/7 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 2/5 बचा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, 3/7 बाहर चला गया। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा, 3/5 बचा, ये माइनस का 1/14 ऐसी है, ठीक है। ये 3/7 ऐसी है, बेस ऑलरेडी सेम है, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 5/5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस का 1/14 आ जाएगा। ये कट होके माइनस का 1 आ गया, माइनस के 1 को इससे इंटू किया, माइनस 3/7 माइनस 1/14, एलसीएम लूँगी तो 14 आएगा, 7 2 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस का 1 ऐसी रहेगा। माइनस 7/14 कट करोगे, माइनस 1/2 आंसर। तो यहाँ पर जब आपने कॉमन लिया ना, तो प्रॉपर्टी लिख के आनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। क्लियर, ये था आपके पास कौन सा एग्जांपल नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।